टीम इंडिया के विकेटकीपर और जबरदस्त बल्लेबाज ऋषभ पंत का रोड एक्सीडेंट हो गया है। वे दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। ऋषभ की कार रेलिंग से जा टकराई और इसके बाद उसमें आग लग गई। पंत को पैर और माथे पर ज्यादा चोटें आई हैं, उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। ऋषभ पंत को इंजुरी की वजह से टीम इंडिया ने ब्रेक दिया था। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक पंत दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। वे रुड़की के हम्मतपुर झाल पहुंचे थे और वहीं कार का एक्सीडेंट हो गया। खबर के मुताबिक उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। पंत के माथे, पीठ और पैर पर सबसे ज्यादा चोटें आई हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। ऋषभ की प्लास्टिक सर्जरी भी की जा सकती है। हादसा इतना भयंकर था कि कार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस हादसे में ऋषभ पंत की जान बाल बाल बची है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा जागरण.com की टीम आप तक पहुंचाती रहेगी।